सभी अध्यापक साथियों और अभिभावकों को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति, जिसकी रिवीजन वीडियो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं और परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी हम करेंगे, और केवल मैं ही नहीं करूंगी, आपसे करवाऊंगी भी, क्योंकि मेरा मानना है कि शांति के समय बहाया गया पसीना युद्ध में खून बहाने से रोकता है। तो सबसे पहले आएगा अब आपके सामने एक प्रश्न। तो बच्चों, पहला प्रश्न हमने रखा है कि संख्या 3 व 4 के मध्य दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि परिमेय रैशनल नंबर कैसी संख्याएं चाहता है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में तो नंबर लाइन के ऊपर अनगिनत असंख्य संख्याएं पड़ी हुई हैं। तो हमसे ये कौन सी संख्याएं चाहता है परिमेय? आप या तो उन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में देख सकते हैं, या फिर आप डेसिमल के रूप में भी उन संख्याओं को दे सकते हैं। डेसिमल यानी दशमलव में वो संख्याएं कैसी हो सकती हैं? या तो उनका दशमलव प्रसार होना चाहिए शांत, या फिर होना चाहिए अशांत, और बताइए कैसा, आगे कैसा? आवर्ती। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, अशांत आवर्ती संख्याएं भी परिमेय संख्याएं ही हैं। मेथड वन में क्या है, जो आपकी संख्या है 3 और 4, देखिए हमने कहा कि संख्या डेसिमल में जा सकती है, 3 से बड़ी होनी चाहिए, 4 से छोटी। तो आप 3 के बाद की कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, दशमलव प्रसार या शांत हो या फिर अशांत आवर्ती हो। अब शांत कैसा होता है, जैसे 3.67, आप यहाँ रुक गए हो, एंड हो गया है उसका, ये होता है आपका शांत दशमलव प्रसार। तो ये एक संख्या हो सकती है। दूसरी संख्या अशांत आवर्ती रख लेते हैं, जैसे 3.6666...। इसी संख्या को आप इस प्रकार भी लिख सकते थे, 3.6 के ऊपर हमने ऐसे बार डाल दिया। बार कहाँ लगाया जाता है? बार वहाँ लगाया जाता है जब कोई अंक रिपीट होने लग जाए डेसिमल के बाद। तो ये केवल दो उदाहरण मैंने दिए हैं, इस तरह की करोड़ों संख्याएं आप ढूंढ सकते हैं, और इसने तो बेचारे ने आपसे दो ही पूछी हैं। अब हम पी बटे क्यू के रूप में भी निकालना सीखते हैं। इसके लिए आप मेथड 2 हम रखेंगे। इसको आपको क्या करना है, देखिए हम मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर चूज कर रहे हैं, 10 बाई 10। 10 बाई 10 से मल्टीप्लाई क्यों पॉसिबल है और 10 बाई 10 हमने क्यों चूज़ किया है? सबसे पहली बात तो आप बच्चों एक बात दिमाग में रखो कि जरूरी नहीं है आप यहाँ पे 10 बाई 10 ही लेते। नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जितनी संख्याएं आप बीच के निकालने वाले हो उससे आप अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, जैसे 3 बाई 3, 4 बाय 4। मैं 10 बाई 10 मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में क्या प्रश्न आते हैं, दो संख्याएं निकालिए, 4 निकालिए 3 निकालिए, तो 10 बाई 10 एक बच्चे को वैल्यू बड़ी ईजी लगती है और आसान रहती है। कई बार तो मैं 100/100 से भी मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो उसमें आप आराम से अपने आंसर ढूंढ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये हो गया 3 दाएँ 30 और 10 एकम 10, नंबर आ गया आपका 30/10। अब इसी प्रकार संख्या 4 लें, उसका भी इसी प्रकार बनाएं, सेम मेथड, 4/1 लिखा, 10/10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 40/10। अब आपको कितनी संख्याएं निकालनी है, 2 संख्याएं। तो नियम क्या है, देखिए अब ये नंबर क्या आ गया है, 30/10 और 40/10। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो कि जो ये संख्या आई है अंश 30 और 40, इनके बीच की संख्याएं हम देखेंगे। इसके बीच की संख्या 30 और 40 के बीच की क्या हो सकती है, 31, 32, 33, और बटा में यही लगाएं, 10, 10 और 10। तो ये जो संख्याएं आपके आ गई हैं, जैसे कि हमने 3 यहाँ पे लिख दी हैं, 2 ही आपको चाहिए थी, तो कोई भी संख्या इसके बीच की हो सकती थी। अब आपके सामने जो ऑप्शन आया था,
ऑप्शन में आपको ये देखना पड़ेगा दोनों शर्तें पूरी हों, संख्याएं बीच की भी होनी चाहिए तीन और चार के, और परिमेय भी अवश्य होनी चाहिए। इसके आंसर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको वही उत्तर ढूंढना है जो आपकी दोनों शर्तों को पूरा करता हो। तो अगला प्रश्न हमने क्या उठाया है, अगला प्रश्न हमने उठाया है कि 3/5 और 4/5 के मध्य की दो अपरिमेय संख्याएं आपकी बार इसको चाहिए। अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी, अपरिमेय संख्याएं हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कि हम दशमलव के रूप में निकाल लें, ये दशमलव प्रसार होना चाहिए अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहला काम आपका यही है, संख्या क्या दी है 3/5, इसका डेसिमल बनाएंगे। इसने आपको बटे वाली संख्या दी थी, आपने उसका दशमलव बना लिया है, दशमलव आपका बन गया है 0.6। ये रूप था P/Q का और ये रूप आ गया है शांत दशमलव प्रसार, यानी कि ये संख्या परिमेय है, परिमेय तो है ही, तभी तो अगले ने P/Q के रूप में दे रखी थी। इसी प्रकार 4/5 का आप बनाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और वो किस पे भाग जाएगा, 5/8 = 40, ये आ गया है नंबर 0.8। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसके साथ में एक एक जीरो लगा ले। जीरो क्यों लगाई हमने, क्योंकि 6 से 8 के बीच जब आप दो संख्याएं ढूंढने के लिए चलोगे तो 7 तो बच्चे ढूंढ लेंगे, बनाने के तरीके तो और भी हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताना चाहती हूँ जिसे कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है वो एक अच्छा 9th और 10th लेवल का मैथ कर सके। देखिए वैसे तो दशमलव के पीछे के जो अंक होते हैं वो अलग अलग रीड किए जाते हैं, जैसे 0.60 और नेक्स्ट हो गया 0.80, लेकिन अब एक बार बच्चे के दिमाग के लिए वो उसका दिमाग ये क्लिक करेगा कि संख्या उसको दिखाई क्या दे रही है, संख्या उसको ये दिखेगी हमें इनके बीच की संख्या ढूंढनी है और फिर उसको हम अशांत भी बनाएंगे और अनावर्ती भी, हमारे हाथ का ही काम है। ये संख्या हो गई है 60 और ये संख्या हो गई है 80, 0 तो है ही, ये हम 0 लगा लेंगे, 0.0, 0.2 दो संख्याएं बना के दिखाती हूँ। अब 60 से आपको बड़ा लेना है और 80 से छोटा, कुछ भी ले सकते हो, 61, 62, 63 से लेकर के 71, 72, 78, 75, कुछ भी संख्या लिख लो। मान लो एक मैंने लिख ली है 64, एक मैंने लिख ली है 75, पर अब हमें शांत नहीं, हमें कैसी चाहिए, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है अशांत अनावर्ती। तो पहले तो इसको अशांत बनाएंगे और अनावर्ती भी बनाएंगे। अनावर्ती बनाने का एक बहुत ईजी मेथड, ये 1, 2, 3, 4 इसके पीछे लगा करके छोड़ दिए। देखिए ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप 1, 2, 3, 4 ही लगाएं, मतलब कोई भी ऐसे नंबर लगाएं कि संख्याओं को, एक ही संख्या को या किन्हीं दो संख्याओं को बार बार रिपीट न करें, अलग अलग तरह के आप अंक लगा दें ताकि वो अशांत अनावर्ती बन जाए। अब ये जो दो संख्याएं आपकी बन गई हैं ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं, इसलिए ये संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय। पेपर में प्रश्न 3 marks में आपके पास दोनों का भी निकालना आ सकता है। ये कैसी संख्याएं हमारी आई हैं, अपरिमेय, और ये मैंने कैसी संख्याएं लिखी हैं, परिमेय यानी कि रैशनल। ठीक है, क्लियर हो गया, वेरी गुड। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, आपको आपका आंसर जरूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब एक प्रश्न हमारे पास आता है कि आपको संख्या दे दी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। गणित में बेटा कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका मेथड लिखने का ढंग अगर आपको आता है तो आप एक नहीं कोई भी सवाल लिख सकते हैं। तो स्टेप 1 में आपको सबसे पहले क्या करना है, माना एक्स इक्वल, ये संख्या ले लें 0.2, 3, 5, 3, 5, 3, 5। उसके बाद दूसरा स्टेप बड़ा ही यूजफुल है और बहुत ध्यान देने का है। इसमें आपको एक ऐसे नंबर से इस संख्या को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ जहाँ पे
जितने अक्षर यहाँ पे रिपीट हो रहे हों वन के पीछे उतनी जीरो लगा देनी है। यहाँ कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं आप ध्यान से देखो तो दो, कौन कौन, तीन और पाँच। दो नंबर अगर रिपीट हों तो एक के बाद आपने लगाएंगे आप दो जीरो, तो नंबर क्या बन गया, सो। एक ही अंक रिपीट हो तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दस से। दो मल्टी रिपीट हो तो सौ से, और तीन नंबर रिपीट होने लग जाए तो 1000 से। इसी प्रकार आगे आपकी संख्या बढ़ती जाती है। तो 100 से यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 100x इक्वल 100 से आपकी इसकी गुणा हो जाएगी 0.2353535। ये तो 100x ही रह गया। यहाँ जब 100 से मल्टीप्लाई होगी क्या होगा, देखिए एक मेथड तो यही सिंपल हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करें जो संख्या आएगी उसमें आप जब दशमलव लगाएंगे तो दशमलव आपका दो स्थान आगे खिसक जाएगा। कहाँ खिसक जाएगा, ये बड़ा ही ध्यान देने का विषय है आपको बेटा, सीखना है कि इस चीज़ को छोटे रूप में कैसे सीखा जाए। दशमलव को शिफ्ट करना है, सरकाना है दशमलव। दशमलव कहाँ जाता है, दशमलव या तो जाता है लेफ्ट में या फिर जाता है राइट में। राइट में कब जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। लेफ्ट में कब जाएगा, जब आप डिवाइड कर रहे होंगे। कितने स्थान लेफ्ट या राइट जाएगा, जितनी वन के पीछे यहाँ पे शून्य होंगे। कितने शून्य हैं यहाँ पे, दो शून्य हैं, दो शून्य हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो दशमलव दो स्थान खिसक जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड। तो जब दशमलव को आप राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से ये एक स्थान, दो स्थान, इसके तीन के पीछे यानी कि यहाँ आपका दशमलव आ जाएगा। तो संख्या क्या बन जाएगी, 23.535355, ये संख्या आपकी आ गई है। और ये हो गया है आपका 100x। अब आपको क्या करना है बेटा, जो आपने पहला स्टेप माना था वो आपको इसमें से माइनस करना है। ये हम दोनों तरफ से माइनस करेंगे, आप नीचे लिख के भी माइनस कर सकते हैं। क्या माइनस करना है, जो आपका फर्स्ट स्टेप आया था, आपने x माना था इसको, ये संख्या आपको यहाँ ला के माइनस करनी है, माइनस एक्स इक्वल, इसको भी माइनस करें। माइनस करते हो डेसिमल की, सीध में डेसिमल रखें, ये सीध नहीं रखोगे इकाई दहाई सैकड़ा की तो पक्का मिस्टेक होने के चांसेस हैं। 23535 डैश के बाद आप उतने ही अंक रख लें जितने आपके दोनों में सेम अंक दिख जाएं, ताकि आप उसकी जब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अच्छे तरीके से कर सकें। ये माइनस करने पर इस तरफ आपका आ गया है 99x, और यहाँ क्या आ गया है, माइनस कीजिए आप 0000, और यहाँ आ गया है 3, और ये हो गया है 23.3 के डेसिमल तोड़ें, इसको भिन्न में ले जाएं। भिन्न में ले जाने का वही तरीका, दशमलव का बन जाता है 0, पीछे जितने अंक होंगे, अंक तो तुम्हें ये भी दिखाई दे रहे होंगे पर ये इफेक्टिव अंक नहीं है। दशमलव के बाद अगर 0 लगती हो सारी तो उनको आप कट कर सकते हो, उनकी जो आवश्यकता आपको नहीं होती। ये इसके पीछे एक अंक है उसके नाम की लग गई 0, और ये सामने क्या आ गया है 99x। अब 99 को भी नीचे लाएं, 233, ये 10 का भाई बनेगा करके इनके घर आया है तो इनके दिव्य स्थान पे बैठेगा। पहले यहाँ मल्टीप्लाई में था, अब किस में आ गया, डिवाइड में। यही रूल है, इधर से उधर लेकर के जाने का, डिवाइड की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। जी हाँ, आपकी संख्या आ गई है 233/990, ये आपकी आ गई है x। तो ये क्या रूप आपके पास में आ गया है, ये रूप आ गया है p/q, जिसमें q 0 भी आपका नहीं है। अब आ गया है बच्चों आपका चौथा प्रश्न, हर का प्रमेयकरण कीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। बड़ी ही आसान भी प्रोसेस है और मैं कहूँगी कि बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है। पहले तो मैं बताती हूँ शब्द ये क्या है, परिमेयकरण। परिमेयकरण यानी कि परिमेय बना देना। तो हमें अप्रिमेय से इसके हर हर को बनाना है, अंश कैसा भी रहे। मेथड क्या है, मेथड बहुत ही इजी है, बहुत इजी, और इसमें भी सेम पैटर्न चलेगा। आप इसको सामने रख के कोई भी अपना सवाल आराम से कर सकते हो।
दी हुई संख्या क्या है, एक बटे वर्गमूल सात माइनस में छः। क्या करना है, एक बार इसी संख्या को लिखें, गुणा का निशान लगाएं, बटा की लाइन। जैसे आपने अभी प्रमेय संख्या निकालते हुए 10/10 से मल्टीप्लाई की थी, क्योंकि सेम था वो कट जाता था, तो कोई भी सेम ऊपर या नीचे जब दोनों जगह अंशर को सेम रखते हो तो काट के वन हो जाता है, तो उससे मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। किससे करें मल्टीप्लाई, बहुत ही ज़रूरी चीज़, बहुत ही ज़रूरी चीज़। देखिए इनमें क्या है, अभी ये नंबर दोनों आपस में कैसे पड़े हैं, माइनस में पड़े हैं, और आप इनको चेंज करके यहाँ किसका चेंज कर देंगे, प्लस यानी कि मल्टीप्लाई का। तो वर्गमूल सात माइनस छः की जगह आप सात का भी निशान, वर्गमूल सात का भी निशान चेंज कर सकते हैं। एक का चेंज करना है आपको, या छः का कर लो या वर्गमूल सात का कर लो, सेम आएगा। ज़्यादातर बच्चे बीच वाला निशान चेंज करते हैं, वर्गमूल सेवन प्लस सिक्स, वर्गमूल सेवन प्लस सिक्स, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करेंगे वन से, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, वन गुणा वर्गमूल सेवन माइनस सिक्स। वन की जगह यहाँ कोई और नंबर या और संख्या भी हो सकती थी। यहाँ किस किस की मल्टीप्लाई हो रही है, ये बहुत ही ध्यान देने का स्टेप। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्या आंसर होता था, ए की दो माइनस बी की दो। हर बार हर का प्रमेयकरण करते हुए नीचे हर के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल आंख बंद करके आप उसको लगाएं, लेकिन दिमाग की खिड़कियां खोल करके इसको लगाना सीखें। लगाना कैसे है, ए और बी कौन है, देखिए वही दो नंबर क्यों हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वही दो नंबर तो आप ले रहे हो प्लस में, और वही नंबर आपने आगे ले लिया एक जगह माइनस में, एक जगह प्लस में। तो जब मल्टीप्लाई करोगे, वर्गमूल सात माइनस छः, वर्गमूल सात प्लस छः, तो ऐसे बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र यही लगेगा। तो आपको लिखना क्या है, ए यानी कि हमारा क्या है, वर्गमूल सेवन इसका वर्ग माइनस छः का वर्ग, जो दूसरी संख्या थी वो बी बन गई। संख्याएं अपनी भूमिकाएं बदलती रहती हैं बार बार। अब यहाँ फिर ध्यान देना पड़ेगा, इसका हर स्टेप ही ध्यान देने का है, क्योंकि ये जरूरी ही इतना है इस बार। जब आप वर्गमूल सेवन का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के रिवर्स फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है, इसलिए कैंसिल कर दिया, वर्ग नहीं बचा इसका। तो ये क्या आ गया, सात, सीधा सात बच गया, माइनस छः का वर्ग है, अभी भी छः का वर्ग हो गया छत्तीस। तो संख्या क्या आ गई, वर्गमूल सेवन माइनस सिक्स बाय में छत्तीस में से सात को भी घटा लो, माइनस के उनतीस। ये हो गया है आपका आंसर, जिसको आप पहचान सकते थे, जो आपको ऑप्शंस दिए गए थे और कैसे ये निकला वो आप यहाँ पे सीख गए। एक और छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, 125 की पावर है माइनस वन बाय थ्री। पावर रूल आपके पास पीछे नोट्स में लिखे हुए आ जाएंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में। 125 के अभाज्य गुणनखंड आप बनाएंगे, तो ये जो आपका नंबर था वो क्या बन गया, आप इसको लिख सकते हो, 125 को आप लिख सकते हो पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच, ब्रैकेट लगाएं, और इसकी पावर हो गई है माइनस वन बाय थ्री। ये क्या बन गया, पाँच की पावर तीन, और फिर तीन की भी पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इस तरह से। अगर पावर की पावर होती है, एक रूल था कि ए की पावर बी और फिर बी की पावर मान लो सी हो, तो ए की पावर हो जाएगी बी सी, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए ये नंबर आपका कट गया है, तो आपका नंबर क्या बच गया, पाँच की पावर माइनस एक, यानी कि एक बटे पाँच। तो इसका आंसर हो गया है आपका वन बाय फाइव। पहले टुकड़े करें, फिर जो पावर कट रही है उसको काटें, नहीं कट रही है तो आपका जो वही जो बैलेंस बचेगा वही आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न है छोटा सा, टू की पावर वन बाय टू और एट की भी पावर वन बाय टू, टू तो ये कौन सा रूल है, ए की पावर एम
इंटू बी की पावर एम, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो ऐसे में क्या होगा, बेसिस की मल्टीप्लाई होगी और उसकी क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी, ये नियम है। तो सेम केस है यहाँ पे, दो और आठ, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, टू गुणा आठ और इसकी पावर वन बाय टू, दो गुणा आठ कितना हो गया, सोलह, सोलह की पावर एक बटे दो। एक बटे दो पावर का क्या मीनिंग होता है, एक बटे दो पावर का मतलब ही स्क्वेयर रूट है, वर्गमूल है, ये भी आपके पावर रूल्स में आ जाएगा, वर्गमूल सोलह। अब आपको मैं ये भी बताऊंगी कि वर्ग का वर्गमूल कैसे कटता है, सोलह के हमने पेयर कर लिए हैं, यानी चार का वर्ग और ऊपर क्या लगा हुआ है, वर्गमूल, ऐसे कटता है, ये कट गया वर्ग से वर्गमूल और आंसर क्या बच गया है आपका, चार आ गया है, ये हो गया है इसका उत्तर। एक और प्रश्न ले लो, सूत्र से मैच करें, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए की दो माइनस बी की दो, ए की जगह वर्गमूल पाँच का वर्ग माइनस वर्गमूल दो का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल, वर्ग से वर्गमूल, फाइव माइनस टू यानी कि थ्री यानी कि तीन, इसका आंसर क्या है, तीन इसका उत्तर है। सीधी आप मल्टीप्लाई करते, सर्वसमीकरण नहीं लगाते, फिर भी आपका आंसर आ सकता था, वो भी ट्राई करें और अपना आंसर मैच करें। अब एक प्रश्न आ गया है दिमाग से सोचने का, जिसमें लिखना कम पड़ेगा और आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा, इसने कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत कौन सी, नेचुरल, हाँ जब तक संख्याएं मालूम नहीं होगी तब तक सवाल भी नहीं आने वाला है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर कौन सी, जीरो वन टू, जीरो भी एक्स्ट्रा आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक भी आप समझ गए हो, माइनस इनफिनिटी से चलते हो, माइनस टू माइनस एक ज़ीरो, एक दो। तो पहले पार्ट में बच्चों क्या पूछा है, पहले ऑप्शन में इसने कहा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो चेक करो क्या ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ चुकी हैं, बिल्कुल आ चुकी हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन गलत नहीं है, पर आपको गलत ढूंढना है। नेक्स्ट है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये रहे पूर्णांक, क्या प्रत्येक पूर्णांक इस पूर्ण संख्या वाले ग्रुप के अंदर है, कौन नहीं है, शाबाश, आप कहोगे माइनस दो नहीं है जी, माइनस एक नहीं है, माइनस वाले नंबर तो इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए ये कथन जो है आपका गलत है। क्या कथन था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तीसरा प्रश्न है क्या प्रत्येक प्रमेय वास्तविक है, बिल्कुल है, क्योंकि प्रमेय से और अप्रमेय से दोनों से मिल करके ही हमारे पूरे के पूरे रियल नंबर बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है या नहीं, ये पूर्ण संख्या पड़ी है पूर्णांक के अंदर, बिल्कुल पड़ी है, जीरो वन टू सारी की सारी लेके बैठा हुआ है, ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो इनमें गलत कौन आया, इसमें गलत आया ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आपने गलत को पहचान लिया है। अब आप सभी के लिए कुछ प्रश्न प्रैक्टिस के होने चाहिए, आपका मन कर रहा होगा अभी हमने जो प्रश्न सीखे हैं कि हम उनको कैसे करके देखें, नए प्रश्न कैसे करें, आप सभी इन प्रश्नों को अवश्य करेंगे और इनके उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, थोड़ा सा होमवर्क है और अच्छे तरीके से कर देना है। अंत में हम चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ, मेमोरी की कुछ टेक्निक्स होती हैं, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, ये बना करके आप पढ़ते हो और कलरफुल भी अगर वो है तो आपकी साइकोलॉजिकली आपकी मेमोरी में हमेशा बने हुए रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में जो ये आपने दो नंबर लिखे हुए हैं जीरो और वन,
इनके बीच में भी असंख्य अपरिमित संख्याएं छुपी हुई हैं। इस लाइन का हरेक बिंदु किसी न किसी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, और वो संख्या दो प्रकार की हो सकती है। कैसे प्रकार की? एक तो प्रकार हो सकता है अपरिमेय, और दूसरा प्रकार हो सकता है परिमेय। फर्दर आगे अपरिमेय का कोई भी और पार्ट नहीं है, लेकिन परिमेय के फिर हमने दो पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट हमने किया शुद्ध भिन्न, और एक पार्ट कर दिया पूर्णांक। पूर्णांक और शुद्ध भिन्न में क्या डिफरेंस है? अभी पूर्णांक भी को भी भिन्न के रूप में आप लिख सकते हो, बटा में एक लगाकर, माइनस एक बटा एक, जीरो बटा एक, तीन बटा एक, एक्स्ट्रा एट्सेट्रा कुछ भी। तो ये पूर्णांक है जिन संख्याओं के बटा में क्या चल रहा है, वन वन वन। इनको शुद्ध भिन्न नहीं माना जाता, फ्रैक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो पूरे हो गए हैं नंबर, इसलिए इनका नाम है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। आगे इन इंटीजर्स के भी पार्ट बट गए हैं, क्या? तो ये आपके हो गए हैं भाई नेगेटिव इंटीजर्स, माइनस वन, माइनस टू, चलते चलते माइनस इनफिनिटी तक ये पहुँच जाएंगे। ये क्या है? अऋणात्मक, न नेगेटिव न पॉजिटिव, न पैसे दिए न पैसे लिए, ये आपका नंबर है जीरो। एक ही नंबर है आपका अऋणात्मक, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि जीरो। नेक्स्ट आ गया धनात्मक पॉजिटिव, आप समझ ही गए होंगे, निशान लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वन टू थ्री। जी हाँ, ये धनात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक और ऋणात्मक तीनों कहाँ से निकले? पूर्णांक से। पूर्णांक कहाँ से निकला? परिमेय से। परिमेय कहाँ से निकली? वास्तविक से। अगला, अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, देखिए मैंने इसको कैसे किया कि अऋणात्मक को और धनात्मक को, यानी नॉन नेगेटिव को और धनात्मक को एक ही बॉक्स में अगर आप बंद कर लेते हो, जैसे कि हमने इसे पीले वाली आयत में इन दोनों को बंद किया हुआ है, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? पूर्ण संख्याएं, क्योंकि जीरो जरूरी है, यानी कि होल नंबर्स। और ये प्राकृत संख्याओं का ही एक नाम है, प्राकृत संख्याएं कहो, धनात्मक पूर्णांक कहो, पॉजिटिव इंटीजर कहो, यानी कि ये वाली जो संख्याएं आपकी क्या बन गई है, एन, यानी कि नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। तो ये देख रहे थे बेटे आप संख्याओं का चार्ट, एक चार्ट और है आपके लिए। इनका दशमलव प्रसार कैसा कैसा होता है मैंने आपको बीच बीच में भी बताया, थोड़ा सा और दिमाग में क्लियर कर लें। नेक्स्ट है बेटा घातांक के नियम, पावर रूल्स, जिनको हमने दो सवालों में यूज भी किया। सबसे पहले क्या है, पहला आपका रूल क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो जाए ए की एम इंटू ए की एन, बे सेम, पावर अलग, मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर यही चीज़ मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड हो जाएगी तो ये जोड़ने की बजाय घट जाएगी, जैसा कि आपके इसके अंदर सेकंड पार्ट के अंदर दिखाया गया है। एक पार्ट ये भी है, आपने अभी सवाल भी किया, बेस डिफरेंट पावर सेम, तो क्या होगा, बेसिस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके ऊपर वही पावर आपकी आ जाएगी। एक रूल और भी है, कुछ पावर लगी हुई थी उसके ऊपर फिर पावर आ गई तो दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। कैसे? थ्री की पावर टू और फिर उसकी पावर थ्री, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, यानी थ्री की पावर हो गई है सिक्स। कुछ छोटे फैक्ट्स भी हैं इंपॉर्टेंट, पावर रूल से निकले हैं, जैसे किसी की भी पावर जीरो हो, चाहे एक लाख की पावर आप जीरो कर दीजिए, आंसर क्या होगा, वन होगा। एक और रूल की वन के बाय में अगर एक्स की एम चला जाए तो जब ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ कोई निशान नहीं, यानी प्लस प्लस का ऊपर आ गया है माइनस, अगर माइनस हो जाता तो प्लस, ऊपर आने पर क्योंकि डिवाइड में आ गई, एक तरह से पावर डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आ गई है, इसको अपना जो निशान है वो चेंज कर लेना है पावर को। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती थी कि वर्गमूल अगर लगा हुआ दिखाई देता है, पता नहीं लगता कई बच्चों की पावर कितनी है, वो पावर होती है वन बाय टू। कई बार वर्गमूल के ऊपर भी कोई संख्या आ जाए, नीचे x हो, तो x की पावर क्या होगी, वन बाय फाइव। ये हाँ, यहाँ जो नंबर होगा वो वन के बटा में चला जाएगा। इस नंबर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल पावर, कर्णी घात। थैंक यू बच्चों, खूब पढ़ना है,
खूब अच्छे बच्चे बनना है और हम जैसे टीचर्स का नाम आपको रोशन करना है। थैंक यू, कीप स्माइलिंग।